हे दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद रखूंगा बहुत अच्छे होंगे। और करंट वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो में सबको एक प्रिंटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सो एक तो मेरे खुद के लिए ज़रूरत पड़ता है और मेरे बच्चे के लिए भी, बिकॉज स्कूल के बहुत सारे असाइनमेंट आजकल घर पे ही प्रिंट करना ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आप भी ऐसे प्रिंटर के लिए ढूंढ रहे हैं जहाँ से आपको स्कूल का भी काम हो, आप कुछ फोटोज़ भी प्रिंट कर सकते हैं एंड डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं और उसमें कॉपी भी फंक्शन हो और आपको प्रिंट का इंक का टेंशन ना लेना पड़े, तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं इस प्रिंटर का फुल्ली अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, इसको कैसे सेटअप करते हैं और इसका प्रिंट क्वालिटी कैसा है दिखाता हूं। और प्रिंटर का नाम है कैनन पिक्समा G3000। तो देखते रहिए। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस। आई बाय माय रिव्यू प्रोडक्ट्स मायसेल्फ एंड आई विल बी रियली थैंकफुल इफ यू कैन सपोर्ट मी सो दैट आई कैन मेक मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. So, दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका पैकेजिंग है। सो ये मॉडल नंबर है कैनन पिक्समा G3000। मार्केट में बहुत सारे मॉडल्स हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि यही मॉडल मैंने क्यों चुना। और कैनन के भी काफी सारे न्यूअर मॉडल्स आ चुके हैं, बट मैं आपको अनबॉक्सिंग के दौरान बताता रहूंगा कि यही मॉडल मैंने क्यों चुना। तो ये साइट से इसमें पैकेजिंग है, इसमें भी बता रहा है सेम चीज़ें। सो यहाँ पे प्राइस बता रहा है 15,885, पर दोस्तों मैंने ये अभी अमेजन से लिया है 14,249 पे। और यहाँ पे देखते हैं इसका पेजेस बता रहा है कि ब्लैक 6,000 पेजेस आप यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं इसका कैटरेज से, और कलर 7,000 पेजेस का। और यहाँ पे कैटरेजेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एक ब्लैक, एक साइन, एक मैजेंटा और येलो कैटरेजेस, और प्लस दो कैटरेजेस इसमें मिलता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, लेकिन इसके बहुत सारे अदर रीजंस है जो आपको बताता रहूंगा। दिस इज वन ऑफ द रीजंस मैंने इसका G3010 3012 नहीं लिया। सो इसका क्विकली अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो इसको ऐसे खोल देता हूँ, तो ये आपको यहाँ पे प्रिंटर दिख जाता है। यहाँ पे दो मैनुअल्स है, यहाँ पे क्या है, एक सीरी है। सो इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। सो प्रिंटर मैंने निकाल दिया है और ये देखिए, और एक पैकेजिंग में इसका कैटरेजेस रखा है, इसको भी मैं साइड में निकाल देता हूँ। पावर केबल है, दो कैटरेजेस है। सो दिस इज बेसिकली एवरीथिंग दैट यू गेट इन द बॉक्स। आपको ये, दिस इज अ ब्लैक इंक BK790। और दोस्तों जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, पहला रीजन ये कैटरेज सॉरी ये प्रिंटर बाय करने का है कि इसमें दो ब्लैक इंक एक्स्ट्रा मिलता है, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन, विल कम टू दैट। और यहाँ पे और थ्री इंक्स है, एक है मैजेंटा, वो भी 790, ये G3000 के लिए है, एंड आई बिलीव G3010 और 3012 के लिए भी सेम कैटरेज यूज होता है। ये है साइन 790 एंड ये है येल्लो। तो ये तीनों कैटरेजेस आपको इधर डालना पड़ेगा। सो आपको मैं दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे है एक USB केबल आपका कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, और ये है एक पावर केबल, नॉर्मल 2-पिन पावर केबल है, इसका पावर आउटलेट इधर है। एंड यहाँ पे दो कैटरेजेस है, BNA, इस BNC, आई थॉट ANB होगा, बट सॉरी ये BNC है, जिसको अपने को इधर प्लेस करना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सो दिस इज एवरीथिंग दैट वी गेट इन द बॉक्स। सो अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसके ये जो लेबल है, इसको यहाँ से उतार दीजिए, आपका ये फीडर प्लेट आ जाता है। फिर इस साइड से और एक टेप है, उसको भी उतार सकते हैं। फिर यहाँ पे एक इसको भी उतार दीजिए, और ये पेपर का जो है वो निकल आएगा ऐसे। ये करने के बाद इसका जो इधर है, आप इसको
ऐसे उतार दीजिए तो आपका यहाँ पे दिख जाएगा। सो ये ब्लैक इंक के लिए है दोस्तों, एंड ये थ्री जो बॉटल्स है विद बॉटल इंक इंडिकेटर्स, ये है साइन, मैजेंटा और येलो कलर के लिए। फटाफट हम लोग अपना बॉटल्स को इधर डालेंगे। सो पहले ब्लैक इंक को डालते हैं। एंड दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अनलाइक आजकल एप्सन में जो आता है और एचपी में स्पिल प्रूफ बॉटल्स आता है, तो ये स्पिल प्रूफ बॉटल्स नहीं है दोस्तों। तो ध्यान रखिए इसको डालने में, अगर कुछ स्पिल हो जाता है तो आपका कुछ भी कागज या कपड़ा खराब हो सकता है। सो इसको यहाँ से ऐसे खोलना है और यहाँ पे एक रबर है, इसको आपको उतारना है। और ये बॉटल जो है सिंपली इसको अनस्क्रू करना है। अनस्क्रू करके एक मिनट, इसको थोड़ा पास में लेके जाता हूँ। हाँ, अनस्क्रू करके इसको इसमें ऐसे डालना है। सो इंक को डालने के बाद ये ऑलमोस्ट फुल बॉटल इसमें ले लेगा। यहाँ पे जो इसका नॉब है इसको आप क्लोज कर दीजिए। सो दोस्तों ये ब्लैक इंक का हो चुका है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका इस वाले पे। तो इसको भी हम लोग ऐसे खोल देते हैं। तो अभी इस तरह आते हैं, ये मेरा सियान का कलर है, इसको भी अनस्क्रू करते हैं। और दोस्तों मैं अभी जूम करके रखा हूँ थोड़ा सा, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक कर्व है, तो हो सके तो बॉटल इधर रखिए सो दैट इसका कलर स्पिल ना हो। और ध्यान रखिए कलर जैसे मार्क किया है वही फिल कीजिए, साइन मार्क है तो साइन फिल कीजिए एंड मैजेंटा येलो के साथ। तो इसको ऐसे करके आपको फटक करके ऐसे अपसाइड डाउन कर देना है एंड वापस ऐसे ही लेके आना है सो दैट स्पिल ना हो। इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है, तो मैं ये फिल कर रहा हूँ एंड उसके हिसाब से आपको इधर भी साइड में दिखाई दे रहा है कि इसका कलर फिल हो रहा है। तो थोड़ा प्रेस करना है, जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, बाकी प्रिंटर्स में स्पिल प्रूफ बॉटल आता है पर इसमें स्पिल प्रूफ नहीं है। इट इज़ फाइन, आप इसको कंपनी के थ्रू से भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बस इतना ही। तो मैं ये तीनों बॉटल फिल करके वापस आता हूँ। दोस्तों हमारे तीनों बॉटल्स फिल हो चुके हैं और इधर देखिए आपका जो लेवल्स है इधर दिख रहा है, ये हो गया साइन, मैजेंटा और ये येलो का लेवल्स इधर दिख रहा है। और इस साइड से भी आपको एक लेवल दिखता है और ब्लैक का इधर से आपको दिख रहा है कि पूरा फुल है। और दोस्तों इसमें पूरा ब्लैक का ले लेगा, आई मीन पूरा कलर्स अंदर आ जाएगा, आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको ऐसे क्लोज कर दिया है, इधर लिखा हुआ है कि डू नॉट कीप दिस लिटिल बिट लाइक दिस, सो यू हैव टू क्लोज इट प्रॉपरली। ध्यान से देखिए और उसके बाद इस लीड को बंद कर दीजिए। सो दोस्तों अभी हम लोग कैटरीज को बदलेंगे, तो यहाँ पे देखिए और एक रेड लेबल है जिसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं और इस तरह से आपका ये वाला पोर्शन जो है खुल के बाहर आ जाएगा। और सॉरी, फिर आपको इसमें ऐसे प्रेस करके इसको अगर इसे लिफ्ट कर देंगे तो आपको दो स्लॉट्स दिखेंगे यहाँ पे, ये बी और ये सी है। ध्यान से देखता हूँ, हाँ करेक्ट, सॉरी इधर लिखा हुआ है ये बी और ये सी है। सो इसमें अपने को कैटरेजेस भरने पड़ेंगे। तो कैटरेज बी को मैंने ऐसे निकाल लिया है, इसको आपको ऐसे पुल कर देना है पूरा, इसको ऐसे अगर आप पुल कर देंगे तो ये कैटरेज अंदर से निकल के आएगा और ये है। तो इधर से भी, सो इधर एक ग्रेट टैप है, इसको भी आपको निकालना है बहुत ही केयरफुली से, बिकॉज ये हेडर के साथ लगेगा। और ये जो स्टिकर है इसको भी फुल्ली निकालना है, बहुत लोग इसको निकालने भूल जाते हैं और बाद में बहुत ही इश्यूज होता है। और यहाँ पे पी लेवल ऑलरेडी है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है और इसको आप अभी आपको फिट करना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला जो टॉप पोर्शन है ये ऐसे जाएगा और बी इधर लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन इधर रहेगा। सो आपको इसको ऐसे जाके इधर प्लेस कर देना है और सिमिलर वे में
सी वाला भी आपको लगा देना है। तो सी वाले का लिप भी मैंने स्टिकर्स निकाल दिया है और इसको इधर प्लेस कर देना है, और उसके बाद ये जो है इसको आपको क्लोज कर देना है और दोनों इसको प्रेस कर देना है। सो आपका कैट्रिजेस डल गया है, आपका टैंक कलर इंक भी लग गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपको मैं फटाफट इसको थोड़ा सा फीचर्स दिखा देता हूँ, इसके बटन्स दिखा देता हूँ। तो ये G3000 का ब्रांडिंग है, इधर पावर बटन है, ये वाईफाई का पुश बटन है, ये है स्टॉक कॉपिंग बटन, ये ब्लैक और ये कलर का बटन है। तो काफी स्पेसिफिक, काफी सिंपल सा इंटरफेस है दोस्तों। यहाँ पे आपको कोई LCD स्क्रीन नहीं मिलता है, बट घर का यूसेज के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो ये है पेपर फीडर, यहाँ पे आप पेपर को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इधर फ्लैट बेड स्कैनर है, तो आप यहाँ पे A4 के साइज तक स्कैन कर सकते हैं। और इस साइड में मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, ये कलर का जो है इधर आपको लेवल इंडिकेटर्स मिलेगा, ये ब्लैक का है और ये तीनों कलर्स का, साइन, मैजेंटा और येलो का, और इस साइड से भी ये दिख जाता है। अब पीछे की तरफ देखते हैं क्या है इसका। तो पीछे कुछ इस तरह से है, ये है USB केबल का कनेक्टर जो आपको PC में लग जाएगा, और इस साइड में आपका पावर कनेक्टर है, और इधर आपको पावर केबल लगाना है। तो कुछ इस तरह से ये जो पावर केबल है, मैं इसको फटाफट इधर में कनेक्ट कर देता हूँ। ये स्लॉट है, सिंपल सा आपको इधर लगा देना है, और आपको पावर प्लग भी इसको कनेक्ट कर देना है। सो पावर को मैंने ऑन कर दिया है, और यहाँ पे जो आपका पावर बटन है इसको आपको प्रेस करना है। फर्स्ट टाइम ऑन के लिए स्टार्ट हो चुका है प्रिंटर, एंड अब ये फर्स्ट रन है। थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक ये बटन ब्लिंक हो रहा है आपको कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज अभी प्रिंटर चेक कर रहा है कैट्रिजेस, कलर इंक सबको देख के ये रेडी कर रहा है। सो दोस्तों अभी इस फोटो में पेपर में देखेंगे, कोडक का फोटो पेपर है, 180 GSM का है, इसमें सैंपल लेके देखेंगे कैसा निकलता है। तो मैंने पेपर ऑलरेडी डाल दिया है, और मैं अभी प्रिंट कमांड यहां से दे दूंगा। सो मैंने प्रिंट कमांड दे दिया है दोस्तों, तो देखिए इसका फोटो कैसे आता है। फोटो इसने पुल कर लिया है, पेपर उसने पुल कर लिया है, इसको थोड़ा पास से देखते हैं। मैं देखना चाहता था 180 GSM में कुछ प्रिंट स्पीड में कुछ फर्क पड़ता है क्या, बट आई थिंक देर इज नो डिफरेंस इन द प्रिंट स्पीड। बट आपको और एक चीज मैं बता देता हूँ कि मैंने कैनन क्यों चुना था, बिकॉज 180 GSM जो पेपर का प्रिंट कैपेबिलिटी होता है वो थिकनेस होता है GSM, सो वो दैट इज द मिनिमल रिक्वायर्ड फॉर ए गुड फोटो प्रिंट। तो आपको एप्सन अगर आप मार्केट में खरीदेंगे तो उसमें 180 GSM प्रिंट तो हो जाता है, बट आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस यूट्यूब में मिलेंगे कि बाद में ये पेपर स्टक होने लगता है, या फिर कुछ इश्यूज होता है, फीडर में पेपर नहीं ले पाता, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज मैंने देखा है। एंड कैनन 275 GSM तक पेपर ले सकता है, ऐसे कंपनी क्लेम भी करती है, एंड मुझे भरोसा है कि एटलीस्ट 220 GSM तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज सेकेंड रीजन जिसके लिए मैंने कैनन चुना है। जो इसका प्रिंट स्पीड भले ही कम क्यों ना हो, बट आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई कैनन का फोटो क्वालिटी बेटर आता है, और ये बेहतर GSM का प्रिंट ले सकता है। एंड एप्सन फास्ट करते करते प्रिंट का ज्यादा फास्ट इसका स्पीड है, लेकिन फोटो को प्रिंट को अच्छी तरह से खींच नहीं पाता है, और उसे बहुत सारे इश्यूज निकलते हैं। तो दोस्तों ये सेकेंड रीजन है, अभी देखते हैं प्रिंट का क्वालिटी कैसे निकलता है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपका सब फीड हो गया, GSM पेपर ले लिया, प्रिंट का क्वालिटी अच्छा बेटर नहीं आएगा तो दैट इज इतना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और ये देखिए, ये फोटो मैंने लिया था DD हिल्स में, देवनगिरी हिल्स में, अभी लॉकडाउन से ही कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन खुला था, संडे फैमिली के साथ हम लोग गए थे, तो ये फोटो खींचा हुआ था। बहुत ही ग्रीनरी है, उसमें पीछे पानी है और क्लाउड्स है, तो देखते हैं इसका फोटो कैसे आता है। सो ये प्रिंट हो रहा है, इतना भी खराब स्पीड नहीं है दोस्तों, आई थिंक इट्स क्वाइट गुड इनफ। फर्स्ट पेपर अगर आप ऑन करने के बाद देते हैं वो थोड़ा टाइम लेता है, बट आई थिंक इसका
जो प्रिंटिंग हेड्स थोड़ा सा वार्म हो जाता है तो स्पीड भी अच्छा निकल के आता है। तो देखिए प्रिंट आ रहा है, ये प्रिंट फुल्ली आ चुका है, तो इसको देखते हैं कि कैसा आया है प्रिंट। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंट आया है एक्चुअली, बहुत ही क्लियर पिक्चर आया है, कलर्स क्लियरिटी आया है अच्छी तरह से, कुछ भी इशू नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ ए गुड प्रिंटर दोस्तों, इसका प्रिंट क्वालिटी देख के। और ये सब कुछ और फोटोज़ है जो मैंने, ये वाला 180 GSM नहीं है, नॉर्मल पेपर है जो मैंने पहले लाया था, ये वाला, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड ये भी एक फ़ोटो लिया था। सो काफ़ी अच्छा प्रिंट है दोस्तों, अभी मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी एक करके दिखाता हूँ। सो दोस्तों मैंने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट्स भी लिए हैं, ये देखिए इसका प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो ये मेरे बच्चे का कुछ कोर्स मटेरियल है जो मुझे इंटरनेट से प्रिंट लेना था, सो ये मैंने लिया है, एंड इसमें कोई भी आपको कंप्लेंट्स नहीं आएंगे, काफ़ी अच्छा प्रिंट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक मैंने स्कैन भी किया था, स्कैन करके प्रिंट लिया था, ये मैकेनिक्स का, और ये ओरिजिनल कॉपी है। ये डेफिनेटली ये एक प्लेन पेपर है जहाँ पे मैंने कलर स्कैन लिया, और इसका देखिए काफ़ी अच्छा इसका क्वालिटी आया है। और डेफिनेटली आप इसको ग्लॉसी प्रिंट में लेंगे और इसका प्रिंट सेटिंग्स में हाई क्वालिटी अगर डाल देंगे तो आई एम वेरी श्योर ये एग्जैक्टली इसकी तरह देगा, इवन नॉट एग्जैक्टली बट डेफिनेटली इसके बराबर देना चाहिए। तो घर बैठे बैठे आप ऐसे ऑसम से कुछ और भी चीज़ें बना सकते हैं। ये मैंने एक कैलेंडर बनाया था, ये देखिए एक DC यूनिवर्स का एक मैंने कैलेंडर बनाया था, एंड आप इसमें घर में बैठ के ही इसको बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रिंट आया है। आप इसको आप बाइंडिंग भी कर सकते हैं, ये कोडेक पेपर में था, और इसको आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें कर सकते हैं घर पे। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, हर एक कलर में आपको डिफरेंट क्वालिटी नज़र आएगा। इसमें देखिए बहुत ही अच्छा आपका डिटेल्स में भी आया हुआ है, सो मैं बहुत ही खुश हूँ दोस्तों इस प्रिंटर से। सो दोस्तों ये रहा था कैनन G3000 का अनबॉक्सिंग, रिव्यू, इंस्टॉलेशन, एंड ऑल्सो आपको कुछ प्रिंट्स भी मैंने दिखाया। तो ये मैंने प्रिंटर पूरा 2 वीक्स यूज़ किया है, उसके बाद ये रिव्यू बनाया है। तो इसका कुछ कुछ अगर आपको मैं समराइज करना है तो बेसिकली मैं आपको बताऊँगा अभी। ये प्रिंटर बहुत ही अच्छा है आपका होम यूज़ के लिए, और इसका अगर आप डिज़ाइन ले लीजिए बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, ये इजिली मेरा जो डेस्क है उसमें फिट हो जाता है, उसमें एक प्रिंटर का स्पेस था, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस मैंने HP को नहीं चुना, इट वाज नेवर इन माय कंपैरिजन लिस्ट, बिकॉज HP का जो इंक टैंक है वो बाहर निकलता है और वो मेरा डेस्क में फिट ही नहीं होता। बट आई एम वेरी श्योर HP इज ऑल्सो ए वेरी गुड प्रोडक्ट, बट ये मैंने कैनन और एप्सन को ही ड्रिल डाउन किया था, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था मार्केट में, एंड उसके बाद ही मैंने ये खरीदा था। सो डिज़ाइन हो गया। उसके बाद अगर फीचर्स देखेंगे, इसमें ऑल इन वन प्रिंटर है, इसका स्कैन हो सकता है, कॉपी हो सकता है, कलर प्रिंट हो सकता है, और इसमें वाईफाई भी है। जो कैनन का एक और एक मॉडल आता है G2012, वो भी अमेजन में अवेलेबल है एंड फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, बट वो मैंने नहीं खरीदा बिकॉज आप अराउंड 1000 और 1.5000 दे के ये वाईफाई प्रिंटर ले, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस, बिकॉज ये आप कहीं भी रख सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी आप डेस्क में ही रखे, आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, आपके हॉल में रख सकते हैं, और वाईफाई से आपके मोबाइल से ही आप आराम से इसमें प्रिंट दे सकते हैं। सो देयर इज अ वेरी गुड फीचर दोस्तों, सो आप डेफिनेटली वाईफाई के लिए जाइएगा, विदाउट वाईफाई आज के जमाने में विदाउट वाईफाई प्रिंटर मत खरीदेगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किया है, आपने इंक टैंक सोच के खरीदा है, और उसमें वाईफाई डेफिनेटली होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर डेफिनेटली इंक टैंक, इंकजेट प्रिंटर्स आपको 3000 4000 में आराम से मिल जाएगा, मेरे पास एक HP का भी था, बट आपको जब आप बहुत सारे प्रिंट्स लेने की कोशिश करेंगे तो आपको झटका वहां पे लगेगा, बिकॉज इसका जो कार्ट्रिजेस है वो बहुत ही कॉस्टली आता है। इंक टैंक का काफी अच्छा है, इसमें इंक टैंक टेक्नोलॉजी है जो आप आराम से इसमें इंक बॉटल खरीद सकते हैं, उसको बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं होता, बहुत ही एफिशिएंट होता है। इसमें जैसे आपको मैंने बोला था, इसमें 6000 कलर प्रिंट्स आते हैं, 7000 ब्लैक एंड व्हाइट का कंपनी क्लेम करती है, बट दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड नंबर, इसमें थोड़ा कम भी मिलेगा तब भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज आपको इसमें 2 बॉटल्स फ्री मिलता है, जो G3000 में ही 2
इंक बॉटल जो ब्लैक इंक है वही मेजर यूज होता है, वो फ्री मिलता है। तो आपको मार्केट में खरीदने जाएंगे तो उसका ही अराउंड आपको 800 to 900 rupees लग जाएगा, जो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जो इसका कैनन का जो 3010 और 3012 पे वो फ्री नहीं मिलता है। एंड आपका और एक चीज है कि G3010 और G3012 में एक छोटा सा LCD डिस्प्ले भी मिलता है, जो आप इग्नोर कर सकते हैं होम यूज के लिए, बिकॉज उसमें ज्यादातर एरर को जाते हैं और कुछ आपको कॉपीज अगर जेरोक्स में 2 copy 3 copy दिख करना होता है उसमें आपको दिख जाएगा, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं, बट वो प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है G3000 में इट्स द ओनली प्रिंटर विद इन दिस रेंज इन कैनन जहां पे आपको मैक सपोर्ट भी मिलता है, जो आपको G3010 और G3012 में नहीं मिलता है। वो बहुत ही सरप्राइज चीज है दोस्तों, बिकॉज G3000 अभी अराउंड 3-4 years हो चुका है इसके लॉन्च होने का, बट मैक सपोर्ट उसके नए प्रिंटर्स में कैनन ने नहीं डाला है। जो आप अगर आपका एप्पल मैक ले सकते हैं लेने की सोच रहे हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी बाकी प्रिंटर्स में, जो G3000 में विंडोज और मैक दोनों सपोर्ट है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। नेक्स्ट आपका इसमें प्राइस तो मैंने आपको बता दिया है, अराउंड 1-1.5 का डिफरेंस है, बट मैं रिकमेंड करूंगा ये होम यूज के लिए। एंड इसको बोलते हैं कि G3000 थोड़ा नॉइजी है कंपेयर टू 3010 2012, पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए होम यूज के लिए। और थोड़ा सा स्लो है ये प्रिंटर कंपेयर टू एप्सन, जैसे मैंने आपको बताया था, बिकॉज इसका कलर प्रिंट क्वालिटी अच्छा है लेकिन इसका प्रिंट स्पीड जो है वो एप्सन का बेटर है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा चूज करें। मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि मैं कुछ कुछ फोटो A4 साइज में प्रिंट करूं, जैसे मैंने आपको कैलेंडर दिखाया था, वो मैं अपने मेरा एक शौक रहता है कि ऐसे इसको फ्रेम करके अपना रूम में लगाऊं, सो इसलिए ये मेरे लिए अच्छा है। एक और एक चीज है, इसमें ADF नहीं है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर नहीं है, बट इस रेंज का प्रिंटर्स में HP, कैनन और एप्सन तीनों में ही ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर नहीं है। दैट मींस आप डुअल प्रिंट एक साथ नहीं ले सकते, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। सो दैट इज इट। उसके बाद इंस्टॉलेशन इसका लिटिल बिट ट्रिकी है, इसलिए मैंने आपने नोटिस किया होगा मैंने इसका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं दिखाया, पर अगर आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें बोलते हैं कि एंड्रॉइड के थ्रू से आप सेटअप कर सकते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपको लैपटॉप से एंड्रॉइड के थ्रू से करेंगे तो आपको वाईफाई डायरेक्ट से करना पड़ेगा। वाईफाई डायरेक्ट में आप जब आप कर रहे हैं मोबाइल से प्रिंट तो आप इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकते हैं, बट आपका इसको इंस्टॉलेशन लैपटॉप के थ्रू से हो गया तो तब आप सब चीज कर सकते हैं। वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। मैंने खुद इसका इंस्टॉलेशन किया है, आप कैसा फ्री कस्टमर सर्विस मिलता है, आप टेक्नीशियन से फर्स्ट टाइम इंस्टॉल फ्री से। इसका और एक पॉइंट जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो ये 275 GSM तक पेपर लेते हैं, जो आपको मैंने पहले ही बताया था, जो एप्सन में बहुत ही इश्यूज होता है। यूट्यूब में आपने बहुत वीडियोस देखा होगा कि एप्सन में पेपर फंस जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जो आप हैवी पेपर थिक पेपर में भी आप प्रिंट्स निकाल सकते हैं, जो पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसका जो मटेरियल है उसमें भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। सो दोस्तों, ये था मेरा क्विक रिव्यू ऑन द कैनन। आई मीन डेफिनेटली ये क्विक नहीं था, बहुत ही लंबा था, बट आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और ये प्रोडक्ट मैंने खुद अपने लिए लिया है, अब मैंने अपने Amazon से ऑर्डर किया था। एंड दोस्तों, इस वीडियो का स्पॉन्सर आप ही है, दैट मींस माय ऑडियंस। यहां पे कोई दूसरा स्पॉन्सर नहीं है, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। मैं अपना वीडियोस, मैंने अपने प्रोडक्ट्स खुद ही खरीदता हूं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक बटन दबा दीजिएगा, और खराब लगा आप अनलाइक भी दबा सकते हैं। एंड कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा प्रिंटर आप लेना चाहते हैं। एंड आपने अगर मेरे वीडियो या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, सब्सक्राइब। ये मेरा ओनली आपका जो प्यार मिलता है उसी से वीडियोस बनाने का मुझे बहुत ही मन करता है, मोटिवेट करता है। एंड ये सब वीडियोस बनाने के लिए काफी टाइम लगता है, काफी एफर्ट लगता है दोस्तों। तो मैं जरूर आपसे विनती करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल देखते रहिए। एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। So, bye-bye. Every single day.